हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम आए हुए थे शिशु विलेज और पिछली वीडियो में हमने दिखाए शिशु विलेज और उसके आसपास के कुछ नज़ारे। तो अब हमारा प्लान जो है, हम जाएंगे वापस मनाली और वहां पे करेंगे स्टे। और मनाली और उसके आसपास की कुछ जगह हैं जिनको हम करेंगे एक्सप्लोर और इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो नज़ारा देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और हम फटाफट से चलते हैं मनाली और वहाँ के भी कुछ नज़ारे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, मनाली पहुंच चुके हैं और यहां से आगे अब हम जाएंगे हिडिंबा देवी टेंपल, जो कि यहां से है 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो थोड़ा सा आगे जैसे ही चलेंगे तो यहीं पे आपको माल रोड भी दिखाई देगा, जिसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अभी सीधा जाएंगे हिडिंबा देवी टेंपल की तरफ। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं आप, ये है माल रोड। ये एक स्टैचू बना हुआ है अटल बिहारी जी का। और हमें जाना है राइट साइड में, तो अभी चलते हैं हिडिंबा देवी टेंपल की तरफ। यहाँ पे रोड काफ़ी नैरो है, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ा रुक रुक के चल रही है। जैसे ही थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट्स, और होटल भी काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं। सामने दिखाई दे रहा है एक गेट, तो इसमें एंट्री कर लेते हैं। और इससे थोड़ा सा और आगे अभी हमें चलना पड़ेगा, तो यहाँ से निकलते हैं। दो रास्ते, तो लेफ्ट वाले पे हमें जाना है, तो चलते हैं और आगे। अगर आप पैदल आए हैं तो यहाँ से निकलता है एक रास्ता, यहाँ से आप जा सकते हैं ऊपर। और अगर गाड़ी से आए हैं तो इसी रास्ते पे सीधे चल के बिल्कुल टेंपल के पास पहुँच सकते हैं।
तो भाई कुछ ऐसा था यहाँ तक आने का रास्ता, और फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल पास। एक बार गाड़ी पार्क कर देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं आगे और दिखाते हैं कुछ और आगे के नज़ारे। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में ही एक जगह थी खाली, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी, और पार्किंग भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ खाने पीने की चीज़ें, ये अभी मंदिर के बाहर का एरिया है। तो थोड़ा सा और आगे आने के बाद भी यहाँ पे देख सकते हो आप कुछ गेम्स हैं, तो अगर इनको चाहो तो खेल सकते हो। और यहाँ पे हैं कुछ याक, तो इनकी सवारी भी अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कुछ कपड़े यहाँ पे, तो ये भी खरीद सकते हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जैसे ही थोड़ा सा और आगे आए तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। और ये मंदिर जो है 1533 में राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। यहीं से 70 किलोमीटर की दूरी पे एक और मंदिर बना हुआ है, जो कि हिडिंबा के बेटे घटोत्कच को समर्पित है। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल पास, और व्यू देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। मंदिर की ऊंचाई जो है 40 मीटर है, और लकड़ी का बना हुआ ये मंदिर लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है। तो देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे से इसको बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सींग टाइप दिखाई दे रहा है, पता नहीं ये लकड़ी का बनाया हुआ है या असली के सींग हैं। तो मंदिर देख सकते हैं ये सारा ही लकड़ी का बना हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है।